ये रहा हमारा घर, मेरा गांव, ये भोग। कितनी अच्छी धूप आ रही है, सुबह सुबह घर पे अच्छी धूप नहीं आती है। चल, और मम्मी यहाँ जला रहा आग। मम्मा, हम सारे मिट्टी के अंदर फिर से इनको रख देते हैं ताकि खराब ना हो। गाय की जो छत होती है, हमने जो गाय की छत है हमारी, उसके ऊपर हमने पिरूल पिरूल तो कमी, लेकिन जो सो अभी हम आ गए हैं, अभी हम सब लोग आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा नींद लग रही है, पूरे रात भर जागे हुए थे। अभी घर पहुंची नहीं हूँ मैं, क्योंकि बैग भी साथ में, घर के इस साइड को हूँ। घर पे जाती सो जाना पूरे दिन। अब आज का व्लॉग भी कुछ नहीं बनने वाला है। अब ऐसे नींद आ रही है भयानक वाली, धूप में जाके सो जाते हैं। उधर जाने का मन नहीं कर रहा उस साइड, क्योंकि उस साइड धूप नहीं आती है। थोड़ी देर यहीं पे धूप सेक के जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। छत पे जाओ, धूप में सो जाओ। कितनी अच्छी धूप आ रखी है। सो गाइज, कहा मैंने सोचते मैं सो जाऊंगी, पापा ने मुझे गाय को ग्वाला पहुंचाने के लिए भेज दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी गाय को ग्वाला लेके जा रही हूँ। इनको हम छोड़ के आएंगे ऊपर टंकी तक खेतों में, शाम को ही अपने आप ही आ जाते हैं 3-4 बजे के टाइम पे। इनकी हैबिट बन चुकी है ना, इस वजह से डेली इनको खोल देते हैं सुबह सुबह। धूप भी वहीं सेकते हैं अच्छी खासी, और वहीं चढ़ते हैं, फिर शाम को ठीक टाइम पे वापस आ जाते हैं। हमारे सिर्फ गाय है इसलिए, वरना अगर बकरी होती तो हम बकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि डर लगती है बकरी को। जो बोलते हैं ना शाव, लोमड़ी खाने का डर लगता है, और बाघ वगैरह भी रहता है यहाँ, तो उस चीज़ का भी डर रहता है, इसलिए हम बकरी को नहीं छोड़ते हैं। बाकी गाय को हम ऐसे छोड़ के आ जाते हैं, वो अपने आप ही घर को आ जाते हैं। बकरी के लिए तो गाला चाहिए होता है, अकेले नहीं छोड़ सकते, बहुत कीमती होती है। ये रहा हमारा घर, मेरा गांव, ये भोग। कितनी अच्छी धूप आ रखी है, सुबह सुबह घर पे अच्छी धूप नहीं आती है। चल चल, हाँ था देर में कन्नू बिल ब्याह टाइम में जेबिल ने। चलो चलो, कैसे दौड़ लगा रखी है इन्होंने धूप में जाने के लिए। सो गाइस, अभी शाम के कितने बजे हैं? शाम 5:06 हैं। आज हम लोग पूरे दिन सोए हुए थे, कुछ नहीं किया, शादी से आए पूरी रात जगे हुए थे, तो उस चीज़ की भी वजह से सर दर्द हो रहा था। और अभी शाम की देखो धूप भी चली गई, यहाँ 5 बजे धूप चली जाती है और ठंडा होने लग गया बहुत ही ज़्यादा। मुझे कैप नहीं मिल रही थी, तो मैंने अपने जैकेट की कैप निकाली फ़िलहाल के लिए, इसी को लगा दिया है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, हालत ख़राब हो रखी है। तो दगड़ियों, ब्याह बजरी 5:05 हरीन, और यहाँ घाम लह गयो, अब लागना हो जाड़ा बहुत ज़्यादा। मीन सॉल ढकी रहा है, घर वे टोप पैर रहे, बुलाइन लग रहे, हालत ख़राब हो रही हमार। एक तो बे ब्याह पुर उणत मछिया, और मम्मी लिया जला रहो आग। मम्मो, हम सकना आग, ता आग तब ना हम उन ठीठ जला रही हैं, जागो तुमको देखो नो। ये देखो हम उन भैर चुलन आग जग रही, बाजे लगा लग रही, सगड़ ला जला रहा, सगड़ में कोयल बुझेगी, लेकिन आई जलू ना हम भैर बह। अब साप आते देखनो दे, भूख नहीं लग रही। मम्मी साग क्या खानू? हरी साग सा रहो तो वही जा, पानी में हाथ को लगा ल अधेलो घर बे, पानी में हाथ नहीं लगाई नहीं यार, हालत खराब है जनी। उसके अंदर सर्दी जुकाम लगा, बे रात उठे भी आई नींद पूरी नहीं आ रहा, हालत जल्दी पड़ जान छू बिन खाई पी है। मैं मम्मी को बोल रही थी पिनालू की सब्जी बनाने के लिए अरबी, लेकिन ना अभी अरबी बना नहीं सकते। ये देखो
मम्मी ने अभी खोद के रखे हुए हैं कट्टे में, अभी इनको दोबारा से खड़ा नहीं रखा है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना दोबारा खड़े दिन ही खराब नहीं होते, मिट्टी के अंदर फिर से इनको रख देते हैं ताकि खराब ना हो, लेकिन अभी तक मम्मी ने रखे नहीं है। अब देखते हैं, आज तो नहीं खाया जाएगा कुछ भी ऐसे, कल देखते हैं अगर खा पाएंगे तो। हमारे यहाँ ठंडा इसलिए भी होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि ना ये देखिए आप, बांज के पेड़ हैं बहुत ही ज़्यादा, घर के आगे से ही अंधाधुंध, सामने से गांव भी नज़र नहीं आता है, छत में जाते हैं तब दिखाई देता है थोड़ा बहुत, या फिर वो ऊपर से नज़र आता है ताई जी लोगों के घर से, यहाँ से दिखाई नहीं देता है ठीक से। अब अंधेरा होने वाला है, अब बतेर खुशी जानो हम। और ये देखो हमारे यहाँ नींबू के पेड़ भी हैं, सारे पेड़ होंगे, नींबू माल्टा सब चीज़ के पेड़ होंगे। ये देखो यहाँ भी बांस के पेड़ है, ये हमारा अखरोट का पेड़ है, वैसे ये सूख गया है, इस पे होते कम है। अनार के पेड़ भी हैं हमारे, अनार आजकल तो नहीं होते हैं। ये रहे इसके पत्ते गिर गए आजकल, ये अखरोट का पेड़ है हमारा, बहुत सारे अखरोट के पेड़ थे लेकिन हमने ना काट दिए, बंदर है ना सारे खा जाते हैं, तो इस वजह से। ये हमारा मोर पंख का पेड़, जहाँ से हमारी एंट्री होती है वहाँ पे पापा स्कूटी रखते हैं। ये जो हमारे भ्यो घर है उत्था साइड भ्यो, इतनी ठंड हो रही है ना मेरे से बोला भी नहीं जा रहा ठीक से, दांत कट 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 करने लग जा रहे हैं, और कोयले ही चाहिए हो रहे हैं बस। आग आग शकना तुम सगड़ दीजिए, सगड़ का मुथेर दे भैड मन करना। और हम लोगों ने ना क्या करते हैं, हम सर्दियों के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ ओस पाला गिरता है तो बहुत ठंड होती है, इस वजह से हम लोग गाय की जो छत होती है, हमने जो गाय की छत है हमारी उसके ऊपर हमने पिरूल, पिरूल तो कम ही लेकिन जो घास गाय खाने के बाद छोड़ देते हैं वो फिर दोबारा खाते नहीं है, तो उसे ना सुतर टाइप में बन जाता है, सुतर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो पिरूल का जो पड़ता है हम उसे छत पर डाल देते हैं ताकि अंदर जो है ना वो ना जाए, उसे ठंड ना लगे गायों को। इस तरीके से हम अपने गाय बकरियों का ध्यान देते हैं, बकरी तो नहीं हमारी गाय गाय है, तो हम इस तरीके से अपने गायों का ध्यान रखते हैं। यार मुर्गी आ रही है शायद नीचे, यहाँ ना शाम के टाइम में मुर्गी आने लगती है, सुबह सुबह ऐसे खेतों में आए रहती है, तालगढ़ मालगढ़ अरुणी यहीं तक आए रहते हैं। है नहीं जल लाई, नहीं जल लाइट, तो ना हमारा कुत्ता भी नहीं है क्योंकि ना हमारा कुत्ता भी भाग ले गया, और हम लोग ना मम्मी लोग पाल भी नहीं रहे, वैसे मन नहीं करता, कुत्ते बिल्ली होते हैं घर पे ना अच्छा लगता है, उनके साथ खेलने का मन करता है, लेकिन है नहीं, मम्मी लोग अब पाल भी नहीं रहे, बोल रहे हैं कि बाघ को खाने के लिए थोड़ा पालना है, तो ना अच्छा भी नहीं लगता है। देखो यहाँ से पूरी बाज की बजाने बजाने रहे हैं, देखो और कभी भी आ जाता है संध्या काल, अभी देखो अंधेरा सा होने लग गया है, इस टाइम पे भी बाघ आके हमारे जानवरों को उठा ले जाता है, सामने सामने से कब ले गया पता नहीं चलता है। हमारा जो इससे पहले वाला कुत्ता था शेरू नाम से रखा था हमने उसका, बड़ा हो गया था वो, तो उसको भी बाघ ना ऐसे ही ले गया इसी टाइम पे, पता इतना ही उजाला हो रखा था, इतनी उजाली में उसे ले गया, तो इस वजह से मम्मी लोग ना डर रहे हैं कि खाली पालते हैं हम फिर उसके बाद दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता हमारा पालतू जानवर अगर बाघ वाघ ले गया, तो मम्मी बोली बाघ को खाने के लिए थोड़ा पालना हो रखा है, इस वजह से मम्मी ना पाल नहीं रही है, तो हम भी क्या ही बोल सकते हैं, पालना उन्हें है, हम तो बाहर ही रहते हैं।